हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अंकुरित मेथी दाने की सब्जी। तो अधिकतर घरों में मेथी दाना खाना पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी सब्जी जो है स्वाद में थोड़ी कड़वी लगती है। लेकिन यदि हम इसे अंकुरित करके बनाएंगे तो घर के बड़े तो क्या बच्चे भी खाना इसे पसंद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चटपटी सी सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने अंकुरित मेथी दाना लिया है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से अंकुरित हुआ है। तो इसे अंकुरित करने के लिए मैंने आधी कटोरा मेथी दाना लिया था, जिसे मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा हुआ था। इसके बाद मैंने इसका सारा पानी निकाल के और इसी थाली में मैंने इसे अंकुरित किया है। तो मेथी दाने का सारा पानी निकाल दें और किसी थाली में मेथी दाने को डाल दें। उसके बाद आप गीला टॉवल निचोड़ के उस मेथी दाने के ऊपर ढक दें, और यदि आपका वो टॉवल सूख जाता है तो आप बीच बीच में उसमें पानी के छींटे लगाते रहें, जिससे मेथी दाने में नमी बनी रहे। तो इस तरह से एक या दो दिन में मेथी दाना अच्छे से अंकुरित हो जाएगा। ये मौसम पे डिपेंड करता है कि मेथी दाना कितने अच्छे से और कितने दिन में अंकुरित होगा। तो सब्जी बनाना शुरू करते हैं। गैस चालू करके गैस पे पैन रख दी है और उस पर मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। तेल के गर्म होने पे मैंने इसमें 6-7 कलियां लहसुन की ऐड की है। अब डाल रही हूँ 1/2 चम्मच राई और 1/2 चम्मच जीरा। साथ ही मैंने एक हरी मिर्च ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। 1 पिंच हींग भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब मैंने लिया है यहाँ पर एक प्याज, जिसे मैंने बारीक काट रखा है। तो इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं हम। तो प्याज में भी अच्छा सा कलर आ चुका है, तेल छोड़ चुका है प्याज। तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। 1 टमाटर लिया है मैंने यहाँ पर। तो टमाटर को भी अच्छे से पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी जो है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत ही अच्छी रहती है, और मेथी दाना हमारे सेहत के लिए वैसे ही बहुत अच्छा होता है। तो ये टमाटर भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो इस तरह से टमाटर को थोड़ा सा मैश कर लेते हैं हम, और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक ले लें आप स्वाद अनुसार। मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। और इसके बाद मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, करीब 2 छोटी चम्मच, ताकि जो हमारे मसाले हैं जले नहीं और अच्छे से पक जाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें मेथी दाना ऐड कर देते हैं, जो हमने अंकुरित करके रखा हुआ था। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये सब्जी बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है और खाने में तो बहुत टेस्टी लगती ही है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है मसाला और मेथी दाना मैंने। तो अब हम इसे कवर कर देते हैं। लेकिन इसके पहले मैं इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये टोटली ऑप्शनल है, यदि आप नहीं खाना चाहते तो आप ना डालें। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। करीब 1/2 छोटी चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है। और अब हम मेथी दाने को फिर से कवर कर देते हैं और कुछ देर इसे पका लेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है हमें। तो ये देखिए, 3 से 4 मिनट में मेथी दाना अच्छे से पक चुका है, क्योंकि मेथी दाना जो है क्रंची ही अच्छा लगता है। तो अब मैंने इसमें धनिया पत्ती ऐड कर दी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और एक किसी सर्विंग बाउल में इसे निकाल लें। तो ये मेथी दाने की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसमें एक नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आने पर चैनल